अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं भाई। अब मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो इसमें दो ही क्वेश्चन थे हमारे, करेक्ट होने पे 3 मार्क्स है और नेगेटिव होने पर -1 है। तो देखिए ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से है। इससे पहले भी जेई 2011 में और एक बार शायद 15 या 16 में एडवांस में पूछ चुकी है, और ये तीसरी बारी है जहां आपको ये डेटा दिया है, बट आप इसके बिना भी लगभग प्रॉब्लम कर सकते हो। अगर आप कैटायंस में देखेंगे तो H+ की बहुत ज़्यादा होती है। एक मिनट, अगर आप कैटायंस में देखेंगे तो H+ की क्या होती है, बहुत ज़्यादा। तो H+ की अगर बहुत ज़्यादा होती है तो इनकी रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है। NO3- Cl- इसमें OH- की ये 199 होना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रेट्स एंड टाइट्रेट्स गिवन इन द लिस्ट 1 एंड 2। तो लिस्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम है 2011-12 में जब आई थी तब भी आ चुकी है। यहाँ पर जब आप KCl AgNO3 में आप KCl डालोगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। इन दोनों की रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद क्या बनने वाला है, रिएक्शन होने के बाद क्या बनने वाला है, PPT। तो वो जो PPT बनेगा इधर देखिए, जब AgNO3 ऐड करोगे, यहां KCl है, जैसे ही आपने AgNO3 ऐड किया तो आपकी जो रिएक्शन होगी इट विल गिव यू AgCl सॉलिड प्लस KNO3। तो जो सॉलिड बन गया वो तो पार्ट हट ही गया, तो K+Cl- की जगह K+NO3 माने। अब देखिए Cl को कौन रिप्लेस कर रहा है, NO3-। तो मैं बैक जाता हूं आपको डेटा दिखाने के लिए। Cl और NO3 Cl का 7.6 और NO3 का 7.2 है। Cl की जगह NO3 आ रहा है, यानी थोड़ी सी कंडक्टिविटी कम होगी, थोड़ी सी। तो कम किस में हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, तो ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, और इसमें बढ़ रही है, इसमें भी हो रही है। लेकिन जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो बढ़ेगा। अब देखो बढ़ तो इसमें भी रही है बट इसमें कांस्टेंट है, यानी मुझे और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब मैं अगला देख लेता हूं। तो देखो ये सबसे आसान है, एक मिनट, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट सबसे आसान है। अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, सबको पता होती है कि यहां पर जब आप NaOH+HCl की रिएक्शन लिखते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट NaCl+H2। तो यहाँ पहले घटती है और फिर बढ़ती है, ये तो फेमस डायग्राम है। तो ये वाला इसका है, यानी R की जो मैचिंग है वो 2 से हो रही है, यानी 2 का आंसर नहीं हो सकता। अब बढ़ेगा भी तो ध्यान से देखिए, जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो KCl की वजह से बढ़ेगा, तो R 2 से मैच हो रहा है, R 2 से 3 जगह मैच हो रहा है, तो हमारी बात नहीं बनने वाली भाई। अब हम P की मैचिंग देखें तो फिर दोबारा इसे ले लेते हैं NaOH, और टाइट्रेंट क्या ले लेते हैं, CH3COH। तो CH3COH अगर मैंने लिया तो मेरे को ये चीज़ कंफर्म हो गई है। यहाँ पर मैंने AgNO3 और KCl। अब ध्यान से देखिए, एक बार नीचे KCl और एक बार नीचे क्या है, AgNO3। तो इनका जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, लेकिन इसमें माइनर चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आने वाले हैं अभी, इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। पी यहां थोड़ा सा बढ़ा और यहां ज्यादा बढ़ रहा है। तो ज्यादा क्यों बढ़ रहा है जरा देख लेते हैं। अगर मैं नीचे KCl की बजाय AgNO3 लूं तो मैं यहां इसका डायग्राम बना लेता हूं, एक मिनट। KCl की बजाय अगर मैं नीचे AgNO3 लेता हूं और ऊपर से मैं क्या डालता हूं, KCl, तो देखिए क्या होगा, AgNO3+KCl, ये आपको अगेन AgCl देगा, और यहां आप क्या लिखने वाले हैं, KNO3। तो ध्यान से देखिए, Ag+ की जगह कौन आने वाला है, K+। तो Ag+ और K+ में देखो जरा किसका ज्यादा है, Ag+ 6.2 और K+ 7.4। तो ध्यान से देखिए, यहां बढ़ रहा है और 6.2 से 7.4 है, और वहां पर Cl आ रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन कम बढ़ रहा था। तो ज्यादा तेजी से कहां बढ़ रहा है इस केस में, तो यानी ये वाला जो थर्ड वाला है ज्यादा स्टीप ग्राफ किसका होगा, P
पी क्यू आर, यानी आर मेरा किस पे जाने वाला है भैया? अच्छा ये तो आर तो टू पे ही चला गया, क्यू किस पे जाने वाला है? क्यू किस पे जाने वाला है बताओ? अंतर समझ आ गया? एक बार नीचे आपने केसीएल लिया हुआ है और एक बार नीचे आपने क्या ले रखा है, AgNO3, तो किस पे जाने वाला है? P की अगर मैं यहां पर करूंगा तो P विल गो टू 3, और P3 सिर्फ यहां पर होगा, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? C। तो अगर आप ऑप्शंस को प्रॉपरली यूज करें तो बहुत क्लोज उन्होंने दिया हुआ था, बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी थी कि भाई यहां जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है, यहां इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है। तो मैंने बताया ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो काफी ज्यादा था। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। हाँ भाई, ये मोल कॉन्सेप्ट की बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है भाई। इस प्रॉब्लम में इनको आपको प्रॉपर मैच करना है। XgF2, अगर XG को देखूं तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों बॉन्ड बना लिए, तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, यानी क्या ज्योमेट्री होगी? क्या ज्योमेट्री होगी? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल एंड नो लोन पेयर, तो ये तो नहीं हो सकती। 3 लोन पेयर, यानी जो पहला वाला है वो आपका किससे जाएगा? 5 से। पहला वाला किससे जाएगा? 5 से। तो P5 देखो, यहां भी है, यहां भी है। अब मुझे क्या डिस्टिंग्विश करना है? Q देख लेते हैं। XgF4, तो देखिए 2 लोन पेयर ये रहे, 4 ने बॉन्ड बना लिए, तो इसमें क्या होगा? 4 और 2 6, यानी sp3d2, यानी ये ऑक्टाहेड्रल होगा विद 2 लोन पेयर्स, ऑक्टाहेड्रल एंड 2 लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल एंड 2 लोन पेयर, ये यहां जाएगा, यानी Q3 पे जाएगा। अब आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अक्सर आप देखिए लगभग लगभग अब हर साल इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है जहां मैट्रिक्स मैचिंग होती है और आपको जस्ट उन्हें मैच करना होता है, तो आप वहां पर बहुत सारे यहां आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, इसके अलावा भी और हो सकते थे, बट अगर आप ऑप्शंस यूज करेंगे और सिंगल करेक्ट है तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी हो जाएगी। अगर आप एक एक करके मैच करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक ये पहला ही पेपर का डिस्कशन था, अभी इसके बाद हम लोग दूसरे पेपर का भी डिटेल्ड सॉल्यूशन डालने वाले हैं, तो मिनट पे आप लोग जुड़े रहिए। और अपने लेटेस्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ठीक है, अभी जिन बच्चों का पेपर जैसा हो गया है, आंसर कीज आपको यहाँ से पता लगेगी। मिनट जो है अभी एक बैच लॉन्च करने जा रहा है, वो सिर्फ रिपीटर्स के लिए है, जहाँ पर बहुत अच्छे, मतलब आपको बोलूँ कि डिस्काउंट्स भी आपके मिलेंगे। उसका रीजन है, अगर आपकी 90% आई है या जेई एडवांस में आपकी कोई रैंक आई है तो देयर वुड बी फीस वेवर, और एक अच्छा अमाउंट का फीस वेवर होगा, प्लस जो फैकल्टीज आपको यहाँ पढ़ा रही हैं, केमिस्ट्री मैं लूँगा और फिजिक्स के टीचर, मैथ्स के टीचर राहुल सर हैं, अवि सर, दे आर सुपर्ब फैकल्टीज। तो मैनेट कालूसराय में आप लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका प्लान है आगे रिपीटर के लिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू। वी विल नाउ कम टू मैच द कॉलम दैट इज 16 एंड 17। ये इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं और अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी वर्किंग वाले क्वेश्चंस हैं, जितना हम यहाँ पे कर लेंगे उतना यहाँ पे कर लेंगे। वील फर्स्टली पिक अप दिस वन। इसमें साइक्लोहेक्सीन है, उसका ओजोनोलिसिस किया है, तो वैसे थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो यहाँ पे हेक्सेन 16 डायल बन जाएगा ओजोनोलिसिस करने पर, और उसके बाद उसका एक इंट्रामोलिकुलर सल्फाइडॉल किया हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ इतने वाले पोर्शन को ही लेता हूँ, सो लेट मी सी हाउ आई कैन यूटिलाइज द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस हियर। सो दिस इज गोइंग टू बी विद ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन वाटर। आप एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे और आप ये हेक्सेन 16 डायल बना लोगे। अब उस हेक्सेन 16 डायल पर नेक्स्ट स्टेप में हम चले जाएंगे एक्वस NaOH अलॉन्ग विद हीटिंग। आपने हीट किया हुआ तो इसमें आप कंप्लीट एल्डोल बना लो। जब आप इसका इंटरनल एल्डोल करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ OH- आयन अलॉन्ग विद हीटिंग, ये आपको साइक्लोपेंटीन का बाल्डिहाइड मिल जाना चाहिए। ये कंपाउंड है, बट जैसे ज़्यादातर बच्चों ने जिन्होंने जेई एडवांस दिया उनके लिए ये करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन से आप इनोलेट बना लो और उसका दूसरे एल्डिहाइडिक ग्रुप पे अटैक करा लो, इंट्रामोलिकुलरली अटैक करा लो। या तो दोनों ग्रुप भी आइडेंटिकल हैं तो ये एक इंट्रामोलिकुलर सल्फाइडॉल है, तो इंटरनल सल्फाइडॉल करके रिंग साइक्लाइज कर लो, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो उसको साइक्लाइज करके ये साइक्लोपेंटीन का बाल्डिहाइड बना।
उसके बाद इथिलीन ग्लाइकॉल एंड पीटीएस है, जो पीटीएस है वो तो डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ किया हुआ है, इथिलीन ग्लाइकॉल बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम इसकी प्रोटेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे आपने इथिलीन ग्लाइकॉल विद पीटीएस है, पर पीटीएस है वाटर रिमूवल के लिए, मैं उसको यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर और ज़्यादा जगह लगेगी। ये तो एल्कीन को, इसको इंटैक्ट रखना, एल्कीन को चेंज नहीं करना। ऐसे इसको प्रोटेक्ट कर दो ग्रुप को, इसका एक साइक्लिक एसिटाइल बना लो और साइक्लिक एसिटाइल बना के उसकी प्रोटेक्शन कर लो। नाउ दैट इज फॉलोड बाय सम हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन आपने करी हुई है, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो टर्मिनल है ये ज्यादा स्टेबल टर्मिनल है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन थोड़ा एंटी मार्कोनिक ऑफ डायरेक्शन में आएगा, तो मैं यहाँ पे पूरे रिएजेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पे रिएजेंट्स ऊपर लिखे, मैं सिर्फ HBO लिख देता हूँ। तो आप डाइबोरेन ले रहे हो, यू नो, इन THF डाइग्लाइम जैसे भी, तो ये प्रोटेक्टेड ग्रुप ही है ऊपर। तो जो OH ग्रुप है वो ऑफ कोर्स अपर लोकेशन पे नहीं, लोअर लोकेशन पे आएगा, क्योंकि दिस विल गो विद सम एंटी मार्कोनिक ऑफ डायरेक्शन ऐसे। इसको आप इसी तरीके से बना लो और इसके HBO डाल लो। उसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, तो हाइड्रोलिसिस करने से प्रोटेक्शन हट जाएगी। ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसकी प्रोटेक्शन हट जाएगी। ऐसा इधर से आप हाइड्रोलिसिस करो और उसकी प्रोटेक्शन को रिमूव कर दो ऐसे करके। और लास्ट में आप इसमें NaBH4 डाल रहे हो, तो NaBH4 में दिस विल बी एन एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड ग्रुप की आप ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप बना लो, NaBH4 विल रिड्यूस द एल्डिहाइड, दिस अल्कोहल विल रिमेन इंटैक्ट। ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा फॉर दिस पार्ट पी। यू विल हैव टू गो एंड सर्च के इसमें से कौन सा वाला है। ये पी जो है ये ऑफकोर्स इज गोइंग विद दिस नंबर 3। अगर ये 3 का स्ट्रक्चर देखो और ये वाला स्ट्रक्चर देखो तो ये दोनों के दोनों सेम ही बैठ रहे हैं, ठीक है। दे डजेंट लुक लाइक अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन एक्सेप्ट कि सिर्फ लीड रिएक्शंस हैं, तो एक के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा हमें चलाना पड़ेगा। P3 के तो बहुत सारे हमारे पास इसमें हैं, तो इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला, कर तो सारे ही लेंगे वैसे। इन एनी केस लेट अस गो विद द सब पार्ट Q। उसमें ओजोनोलिसिस करना है और फिर हमें इंट्रा मॉलिकुलर, या तो क्रॉस टल्डोल होएगा, इंट्रा मॉलिकुलर क्रॉस टल्डोल, और फिर प्रोटेक्शन करनी है और HBO करना है। मतलब यहाँ तक तो प्रैक्टिकली जैसे हमारा इधर का था उतना सेम ही है। सो लेट्स चेंज द पेज, एक बार देख लेते स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ओके। ऐसे लिख लो जो भी। अब आप इसमें ओजोनोलिसिस करोगे, सबसे पहले ओजोन डाल के आपने, आपको पता ही है किस तरीके से करना है उसको। जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करोगे, इंट्रामोलिकुलर क्रॉस एल्डोल, दैट विल इनिशियली बी प्रमोटेड फ्रॉम द साइड ऑफ द कीटोन, द इनोलेट ऑफ द कीटोन इज स्टेबलर, तो वहां से इंट्रामोलिकुलर अटैक करना और रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कर देना इंटरनली। ये बनेगा आपका जो इंट्रामोलिकुलर क्रॉस टेल्डॉल, मेरे ख्याल में सब बच्चों को करना आता ही होता है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतनी तो जगह भी नहीं होती। तो आप यहाँ पर इनोलेट बना लो और इनोलेट बना के एल्डिहाइड ग्रुप पे इंटरनल अटैक साइक्लाइज कर दो रिंग को, और साइक्लाइज करके रिंग कॉन्ट्रैक्ट करा लो, ठीक। तो हमारे पास वो बच जाएगा। उसके बाद जैसे उन्होंने इथिलीन ग्लाइकॉल इन PTA से यूज़ किया, तो इथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ करके आप जो कीटोनिक ग्रुप है उसकी प्रोटेक्शन कर लो। इसको प्रोटेक्ट कर लो ग्रुप को, ताकि अगर नीचे वाले पे कुछ करने लगे हो तो फिर हम कुछ करेंगे उसमें। एक बार पीछे जाके देख लेते हैं इसके आगे क्या करना है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, अब हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके फिर हाइड्रोलिसिस करना है। अब ये वाला ज्यादा स्टेबल लोकेशन है, ये थोड़ा एंटी मार्कोनिक ऑफ में जाएगा, तो यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पर ले आना, क्योंकि हम इसका
इस तरीके से आप इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करो और उसके बाद इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करके प्रोटेक्शन को रिमूव कर दो। यहां प्रोटेक्शन रिमूव हो गई और यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंटैक्ट रह गया जिस तरह के कथा ही था। हमें एक पेज दोबारा पीछे जाना पड़ेगा और एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमने इसमें NaBH4 डाला है। सो दिस इज प्रीटी सिमिलर टू व्हाट वी आर डन इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसमें ये रिडक्शन करने के बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन करने के बाद ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसको अच्छे से देख लो एक बार पेज पीछे जा करके, हम देख के आएंगे कि वो किसके साथ मैच कर रहा है। तो यू हैव अ CHOH विद अ मिथाइल ग्रुप, यह हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर साथ में एक OH ग्रुप भी है। तो लेट्स गो पीछे। सो ये देखो इतना सुंदर कंपाउंड, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो हमने अभी बनाया था, जो कंपाउंड नंबर 5 है। सो दिस क्यू इज गोइंग टू हिंट डायरेक्टली एट कंपाउंड नंबर 5। ये देखिए हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप है और साथ में OH ग्रुप है, जो हमने अभी बनाया है वो यही वाला कंपाउंड है। सो ऑल्दो P3Q5 क्लियरली मींस दैट द आंसर इज पार्ट सी, लेकिन क्योंकि हम इसमें पेपर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग R और S के लिए भी डिस्कस कर लेंगे। ये आप R देख लो किस तरीके का है। द गुड पार्ट इज कि इसमें उन्होंने ओजोनोलिसिस नहीं किया, शायद थोड़ा टाइम सेव करने की स्ट्रेटेजी है, लेकिन ऑक्सीमर्कुरेशन की है। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद डूइंग समथिंग ऑन R। R एक साइक्लोकिनोन है, इस तरीके का। मैं एक बार बस पीछे जाके वेरीफाई कराऊंगा कि कंपाउंड यही है, राइट? ठीक है। एंड नाउ ऑन दिस कंपाउंड दे हैव पुट इथिलीन ग्लाइकॉल इन PTSA। तो ये तो हमें अब हमारे लिए काफी इजी होगा, क्योंकि ना इन्होंने इसमें कोई इंट्रामोलिकुलर एल्डोल किया है, ना कुछ उस तरीके का कोई, यू नो दे हैव नॉट डन एनीथिंग वेरी स्पेक्टेकुलर इन दिस। सो इस तरीके का आप एक कंपाउंड बना लो, इसमें जो कीटोनिक ग्रुप है उसकी प्रोटेक्शन कर लो। यहां पे इथिलीन ग्लाइकोल डालने के बाद प्रोटेक्ट कर लिया, अब ऑक्सीमर्कुरेशन करके फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करना है। ऑक्सीमर्कुरेशन करोगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ज्यादा स्टेबल लोकेशन पर ही आएगा। सो ऐसे कर लो और उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस करके ये प्रोटेक्शन को रिमूव कर लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे हैव यूज्ड NaBH4 हियर। ये वाला कंपाउंड देख लीजिए, एक साइक्लोपेंटेन रिंग पे मेरे पास दो ये विसिनल डायोल्स हैं और साथ में एक मिथाइल ग्रुप है। सो वी विल नाउ हैव टू काइंड ऑफ गो बैक जस्ट टू सी साइक्लोपेंटेन रिंग पर आई हैव अ मिथाइल ग्रुप एंड वन विसिनल डायोल। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 आर का विल टैग विद दिस स्ट्रक्चर 4, ये जो हमने अभी बनाया था जो वो यही वाला है। सो दिस आर इज गोइंग विद द स्ट्रक्चर 4 एंड लास्ट में यही कंपाउंड उन्होंने लिया है विद द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट? इंटैक्ट ये वाला। सेम कंपाउंड अगेन विद इथिलीन ग्लाइकॉल इस पे HBO किया है, इधर OH ग्रुप अब की बार नीचे वाली साइड पर इस साइड पे आएगा। एंड नाउ विद एसिड हाइड्रोलिसिस यू रिमूव द प्रोटेक्शन। और फिर NaBH4 में
ये वाला बनाया जो ऑफ कोर्स वहां पे लास्ट मैच है। बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ ओएच ग्रुप्स की पोजीशंस का ही डिफरेंस आने वाला है, उसमें और तो कोई डिफरेंस नहीं आता। सो दिस काइंड ऑफ सॉल्व्स द मैच द फॉलोइंग। नाउ वी कम डाउन टू दिस नेक्स्ट वन। वी हैव बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद मोल्टन NaOH इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये मोल्टन NaOH के साथ तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मेरे हिसाब से एवरीबडी डज हैव एन आइडिया। इसको मल्ट करना है तो इसको इसके साथ फ्यूज कर देना। दिस इज वन वे हाउ यू कैन मेक फिनॉल। ये फिनॉल बनाने के लिए यूज होगा। और उसको फिर नाइट्रिक एसिड में लिया है, साथ में थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लो और भी अच्छा होगा। सो यू गेट दिस येलो कलर डाई ओके। विच इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये तो आई गेस काइंड ऑफ वेरी सिंपल काइंड ऑफ प्रोपोजिशन। येलो पेन से लिख रहा हूँ, येलो कलर की डाई होती है ये वाली, जिसे हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। सो दिस पार्ट पी इज गोइंग टू गो विद द सब पार्ट थ्री ऑफ दिस जो पिक्रिक एसिड है। सेकेंड क्यू वाले में देख लेते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन पे इन्होंने नाइट्रेशन करी हुई है और उसके बाद पहले इतना कर लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन पे आप नाइट्रेशन करो नाइट्रोनियम आयन लेकर के, ये मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन आपने बना लिया। उसके बाद 10NHCl में मेटाडाइअमीनोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करके अमीन बना लो। उसके बाद उसकी डायसोटाइजेशन करिए 0 to 5 degrees में, NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन लेके। ये डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया है इसमें, और डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस किया है वाटर में, तो आपको पता है डायजोनियम हाइड्रोलिसिस पर आपको फिनॉल मिलेगा एक साइड। और ये मेटाडाहाइड्रोक्सीबेंजीन जो है ये रिसोर्सिनॉल होगा। और उसके बाद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड में अब आप देख रहे हो कि इसमें तीनों लोकेशंस जो है वो वैलिडली एम्प्टी हैं। ये ऑर्थो लोकेशन है, ये वाली ऑर्थो है, ये वाली इसके रिलेटिव पैरा है। तो इनमें अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हो विद यूजिंग द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट आना चाहिए इसके अंदर। सो इसमें अब यहां वहां से थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये रहा। ये देखो, ये रिसोर्सिनॉल रहा, ये OHOH का रिसोर्सिनॉल है, और ये ट्राइनाइट्रेशन की हुई है। सो दिस इज पार्ट क्यू विल बी गोइंग विद नंबर 5। सो क्यू विद 5 में तो हमारे पास पार्ट सी ही है बस, पी विल गो विद 3 एंड क्यू विल गो विद 5। हम आगे इस वाले में भी आ जाएंगे। इसमें हमने पहले सल्फोनेशन करी हुई है, उसके बाद नाइट्रेशन करी है, तो जो मोस्ट एक्टिवेटेड लोकेशन है वो तो ये वाली है जो इनके बीच में है। तो मैं इसको इतना देख लेता हूं, मैं यहीं से ही अगर इसको कर लेता हूं, है ना, ज्यादा हमें इसमें फाइट नहीं लगेगी। यहां पे इसका सल्फोनिक एसिड बना लो। इसमें हमने डायरेक्ट नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग मिक्सचर में नहीं करी है, पहले सल्फोनेशन करी है। तो सल्फोनेशन एक वीक इलेक्ट्रोफाइल में होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में होगी। तो उसके बाद ये SO3 जो एलिमिनेट हो जाएगा नाइट्रेशन में, अगर आप पहले सल्फोनेशन करके फिर नाइट्रेशन करोगे, तो उसके बाद नाइट्रेशन करोगे तो ये आपका प्रोडक्ट OH ग्रुप, यहां NO2 एंड अलोंग विद OH, तो सिर्फ एक मोनोनाइट्रेटेड प्रोडक्ट आएगा अगर आप इसको पहले सल्फोनेट करके फिर नाइट्रेट कर रहे हो। तो मैं चाह रहा था कि ये इतने पोर्शन में ही हो जाए, तो इसका आंसर एक्चुअली ये 4 वाले में ही यहां पर ये सेटल हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास एक लास्ट बचा है, इसमें काफी सारी चीजें करने वाली, पहले कुछ ले लेते हैं। इसमें पहले KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 लेके हाइड्रोलिसिस किया है, फिर नाइट्रेशन किया नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेके, पहले यहीं तक ही आ जाते हैं। टॉल्यूविन लिया इसमें, चलिए। सो पहले मैंने टॉल्यूविन लिया है,
KMnO4 इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप जानते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो पूरा ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, बेंजोइक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सीधे पोटेशियम बेंजोएट सॉल्ट देगा, शायद इसलिए उन्होंने इसके आगे इसका हाइड्रोलिसिस किया है ताकि ये वापस बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, इसका पोटेशियम सॉल्ट जो है वो वापस बेंजोइक एसिड में आ जाए। चलो आगे देख के आते हैं, उसके बाद हमने इसकी नाइट्रेशन किया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में है तो नाइट्रेशन कंप्लीट कर दो, ये मेटाडायरेक्टिंग होता है, तो अगर ये मेटाडायरेक्टिंग है तो हमारे पास ऐसे में सिर्फ दो ही साइट्स हैं नाइट्रेशन के लिए, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये हमारे पास दो साइट्स हैं, हमने डायनाइट्रेशन कर दिए क्योंकि दो मेटालोकेशन ही थी हमारे पास। उसके बाद इसमें SOCl2 और फिर अमोनिया डाला और फिर हॉफमैन ब्रोमाइड किया हुआ, तो SOCl2 अगर आप डालेंगे ये इसका एसिड हैलाइड बनेगा, और फिर उसके बाद इसमें अमोनिया डालेंगे तो एसिड हैलाइड का अमाइड बन जाएगा। अमाइड तो थोड़ा अंडरस्टूड सही था क्योंकि इसके आगे उन्होंने हॉफमैन ब्रोमाइड किया हुआ है, अब इसमें ब्रोमिनिन के OH यूज करके इसको डिग्रेड कर दो, वन स्टेप डाउन कर दो, अमाइड टू अमीन कन्वर्जन कर दो इसकी, और यहां तक आने के बाद एक बार फिर से हमें थोड़ा पीछे जाके चेक करना पड़ेगा। SOCl2 डाल लिया, अमोनिया डाल लिया, ब्रोमीन NaOH में वो कर लिया, अब इसके बाद डायसोटाइजेशन करके पानी डालना, अब इसे डायसोटाइज कर लो, और उसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस कर लो ताकि ये अपने फिनॉल में कन्वर्ट हो जाए। आपको पता है डायज कंपाउंड्स, डायजोनियम कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉल्स। OH ग्रुप विद टू नाइट्रो ग्रुप्स एट टू मेटालोकेशंस, दिस इज व्हाट वी हैव टू गो एंड सर्च नाउ। OH ग्रुप विद टू नाइट्रो ग्रुप्स एट टू मेटालोकेशंस, दिस इज गोइंग टू बी आवर बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस कंपाउंड जो हमने अभी अभी बनाया है। सो दिस इज द एस पार्ट इज गोइंग विद द, एक मिनट हम इसमें चेक भी कर लेंगे, हाँ विद दिस वाला पोर्शन, सो दिस विल ऑल शो ऑल योर डिफरेंट मैचेस जो भी इसमें पॉसिबल हैं। थैंक यू वेरी मच, पेपर वन डिस्कशन इज कंप्लीट हियर, आई होप दिस डिस्कशन हेल्प यू आउट विद द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।